ऐसा मैं सलाम करने वाला। मुंबई में सिर्फ और सिर्फ बारिश बारिश। स्पेस पे सबसे पहला सैटेलाइट किसने भेजा था? एमिनी चल। अरे कौन आया है? हेलो दोस्तों, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। जस्ट अभी मैंने अपना व्लॉग खत्म किया था, कल वाला रात को ही नया व्लॉग शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली से आया मेरा दोस्त। दोस्त को सत से कॉल करो। अच्छा, ऐसा मैं सलाम करने वाला। ए, तू जानता नहीं तो कौन है? जानता हूँ, जट प्रभजोत। जट प्रभजोत से सत श्रीकाल करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, सलाम सब कुछ करते हैं। ये भाई साहब लोनावला घूम रहे हैं, कभी बांद्रा की फोटो डाल रहे हैं, कभी वहाँ महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में मतलब ये बंदा आसपास ही है, हमें कुछ दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ? बताया क्यों नहीं है? देखो ऐसा तो नहीं लगा था कि मैं अभी भी रशिया में ही हूँ। नहीं नहीं, मेरे को पता लग गया था। एक्चुअली सीन क्या था, पापा के साथ आया मुंबई, आते ही हमारी शाम की फ्लाइट थी, मुंबई आते अपना प्लान था अगले दिन निकल जाना है। फिर मैं जब पूरा फ्री हो जाऊंगा ना, अब सब काम निपटा के पापा को घुमा लिया महाबलेश्वर लोनावला, अब एकदम फ्री है। अब भले एक दिन इसी घर में रुकना पड़े, दो दिन रुक नहीं रहे, लेकिन ऐसा बता रहा हूं, रुकना पड़े तो रुक सकते हैं। वही तो, लास्ट टाइम आया था मैं, अभी मुंबई में आएंगे तो मिलके जाना पड़ता है। मतलब ही नहीं है बिना मिले चले जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बढ़िया, फिर अभी हम काफी टाइम हो गया बात-बात कर रहे थे, काफी सारी चीजें, हम लोग लद्दाख ट्रिप में कितना मजे किए थे, फिर इसकी विदाई हुई थी, एंड देन रोना धोना, एंड देन सब वापस मिल गए। अभी तो मैं रशिया की डिटेल पूछ रहा था भाई, बहुत मजे लेके आया। और भाई वो सबसे बढ़िया मेरे को क्या लगा, तेरा वो बंदूक वाला भाई, जो वो काम करके आया ना, धाक 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 मशीन गन वाला। अगर मैं जाऊंगा ना रशिया तो मैं उसी के लिए जाऊंगा भाई, वो चीज मतलब ऐसा कभी अपने को मिल ही नहीं सकता ना मौका, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो मैं इसको रशिया के बारे में बता रहा था, ये मुझे किसी और कंट्री के बारे में बता रहा था जहाँ इसको जाना है। वो बताना नहीं है, नहीं वो नहीं, तो सीक्रेट है वो, सीक्रेट है वो, थोड़ा हिंट दे सकते उसके लिए? देख ले तेरी मर्जी, हिंट ऐसा दियो पता ना लगे बस। वर्ल्ड वॉर टू में? नहीं, तब तो समझ जाएंगे, तब तो समझ जाएंगे ना, तब समझ जाएंगे। मतलब जहां पर मैं जाके आया ना, उस कंट्री का कंपटीटर है, बस यू समझ जाओ। ये ठीक है, ये बढ़िया है। तो ये दोनों में हमेशा मतलब ऐसा होता है, कंपटीशन चलता रहता है कि मैं आगे हूँ मैं आगे हूँ, बस बाकी आप समझ जाइए। बाकी यहाँ पर वीर जी, ओहो आ गए फिर से आप। हाँ आ गया, इस बार शूज नहीं लाया, मारना नहीं मारना नहीं मारना। हेलो जी, क्या हाल है जी? बढ़िया। तो बस फिर और हम बात करते हैं थोड़ा, और इतने दिनों बाद मिले हैं तो बहुत सारी बातें करने के लिए, अभी आधी कर ली है, आए हुए एक घंटा हो चुका है ऑलरेडी, अभी और बातें करेंगे। डन है फिर, चल वीरे मिलते हैं, फिर मिलते हैं, संभाल के जा, संभाल लेंगे कहीं पे भी, कहीं पे भी, या तो मुंबई में या दिल्ली में। बाय 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 बाय। सब जीजू बोलो तो मैं भी जीजू बोलता हूं। नहीं भाई हूं यार। ठीक है भाजी, ठीक है, चलो जाओ, फिर मिलते हैं। हां फिर मिलेंगे। मुंबई में सिर्फ और सिर्फ बारिश 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 बारिश, सिर्फ बारिश हो रही है, और बारिश में मैं कहीं निकल नहीं पा रहा बिकॉज मेरी जो राम प्यारी है वो मॉडिफाई होने के लिए गई हुई है, और बाइक से बारिश के वक्त हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं लेकिन कार होती तो थोड़ा बेहतर हो जाता है बारिश के वक्त। रात को लेट सोया, यूँ समझ लो कि मैं सुबह सोया था, वही सब अपना रिसर्च वाला काम चल रहा था। कल फिर से एक अमेजिंग चीज़ मुझे पता चली है, तुम लोग से एक सवाल है, फिर से स्पेस पे सबसे पहला सैटेलाइट किसने भेजा था? सबसे पहला सैटेलाइट किसने भेजा है स्पेस पे? US। आप लोग भी गेस करें तब तक। हाँ क्या? US, जापान। हाँ जापान। नहीं क्या, यूएस बोला ना तुमने? जापान से ही बोलो क्योंकि यूएस तो ऐसा देख के लगता है ना कि कुछ भी काम किया होगा तो अमेरिका ने किया होगा, ऐसा हो गया ना, गलत है। सबसे पहला स्पेस पे जो सैटेलाइट भेजा था वो रशिया ने भेजा था, और सैटेलाइट का नाम क्या हो सकता है तुझे पता है? यस करो, नाम क्या हो सकता है? बताओ, तुम सबको उसका नाम पता है। रशिया ने पहला सैटेलाइट भेजा, रशिया ने पहला आदमी भेजा, रशिया ने पहला जानवर भेजा, मतलब रशिया इन मामलों में थोड़ा सा आगे था उस वक्त, लेकिन इसका काफी भुगतान उसको भरना पड़ा था, काफी दिवाला हो गया था मतलब ये सब करने के चक्कर में। वो सब चलो वो टॉपिक नहीं था, मतलब ये जो चीज है ये इंटरेस्टिंग था, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बताओ बताओ दोस्तों, बताओ बताओ, एक हिंट दूं मैं, कोई एक वैक्सीन में से उसका एक ना, इतना साला कोई बता देगा अभी, बता अभी तो बता दे। पुतिन नहीं रे, स्पुतनिक। जो पहला सैटेलाइट भेजा गया था उसका नाम था स्पुतनिक 1, तो उसी के बेसिस में उन्होंने अपना वैक्सीन का नाम रखा है स्पुतनिक। बहुत ही बढ़िया चीज बताई है, इस बात पर ठोको ताली, इसी बात पर सब्सक्राइब करो। ले लो एमिनी चल, इधर। मजनू किधर है? छुपा हुआ है क्या कर रहा है? ये देखो चाय, ये चाय जो है अभी ठंडी हो चुकी है, ये सुबह सुबह मुझे गौरव जी ने ला के दिया था नींद खोलने के लिए, लेकिन मैंने इसको यहाँ रख दिया और फिर मैं सो गया। गौरव जी आपने जो सुबह सुबह चाय दिया था वो तो मैंने पिया नहीं,
एक चाय लेके आ जाओ ना, पूरी तरह से नींद भी नहीं खुली है अभी। अरे कौन आया है, देखो 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 कौन आया है। जब भी आता है बंदा अपने साथ में रसगुल्ले, रसगुल्ले लेके आता है। रसगुल्ला माफिया बन गया अभी मैं। ये रसगुल्ला किस लिए? ये रसगुल्ला आज मेरा ड्रीम सेटअप मैंने परचेस किया है, सोनी A7 III। सो जिमी भाई के यहाँ से ही परचेस किया है, तो MS के भाई ने भी थोड़ा ऐसे बात बात किया तो फिर हो गया। नहीं जिमी भाई अच्छा रेट देते हैं, बेस्ट देते एकदम। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। मेरे भी सारे गियर्स की लिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और तुम्हारा अभी क्या सेटअप है, करंट सेटअप क्या है? अभी तो एक्चुअली A7 III है प्लस 35 1.4 जो नया लेंस आया है सोनी का है। हाँ सोनी के, सिग्मा का। अच्छा सिग्मा का। सोनी के लेंस बहुत महंगे होते हैं ना। सोनी के ये लेंस लिया करो जो मैं लेंस यूज कर रहा हूँ 16-35 1.8। नेक्स्ट अभी धीरे धीरे करके, अभी बजट इतना नहीं है तो धीरे धीरे करके जाएंगे अभी उधर तक। मैं गलत बोल दिया, 16-35 2.8 1.8 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1.8 तो फिर किल कर देगा, किल कर देगा, फिर पैसे भी डालने पड़ेंगे। फिर निकालो भाई, कांग्रेचुलेशन टू आशीष। थैंक यू। अभी फोटोशूट वोटोशूट होने वाला है, थोड़ा बारिश वारिश खत्म होने दो, फिर किलर फोटो जाएंगे इंस्टाग्राम पे एकदम। निकालो फिर, शफीक को खिलाओ पहले। शफीक सब दाल उसके खत्म हो चुके हैं। पानी नहीं सही है। खुशियों का माहौल है और अपने पैसों से लिए ना। यस यस, खुद के पैसे की चीज का अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल फील होता है। सही है ब्रो, मतलब देखो A7 III और सोनी के अगर आपने कैमरा लिया हो या लेंस लिया हो, मतलब बिग अचीवमेंट है भाई। निकालो वाला। नहीं नहीं नहीं, एकदम फ्रेश, इसमें कुछ इश्यूज नहीं होगा। फॉर श्योर। लास्ट टाइम पे क्या हुआ था वो याद है फर्नीचर, इस बार कुछ नहीं रहेगा, एकदम मस्का। रिव्यू चाहिए अपने को। अरे मैं तो खाते रहे तो आप लोग के लिए डिनर के बाद खाओ। अभी बारिश में इतना शॉर्ट्स में आ गए, इसके लिए बहुत बारिश हो रहा है। मैं जब फर्स्ट टाइम आशीष से मिला था ना, तो मैं इसको ऐसे इसके बॉडी को लेकर कभी शेम नहीं किया, अब करूंगा इसकी बॉडी शेम। क्योंकि ना ये 2 साल पहले भी बोला था कम होगा, अभी भी कम नहीं हुआ है। एक साल 2020 में मिला था, लेकिन उससे पहले मिले थे। अबे अपन मिले थे कोविड से पहले। हाँ तो फिर कोविड 2 साल हो चुके हैं, खत्म करो खाने, डेल डन करो, अभी कम करना है तुमको। हाँ वो तो कम, 15 फेब 2020 डेट लिख के रखा है मैंने। रसगुल्ला बंद करो, तुम्हारे रसगुल्ला हो गए हो खाका के। आऊंगा आऊंगा, धीरे धीरे आ रहे करेंगे अभी। कांग्रेचुलेशन दोस्त, हाथ गंदे थोड़े से कर दो। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। किला फोटो निकालना एकदम। क्या बे बिल्ले, नाखून देखो इसके। शिट, मजनू के साथ मैं खेल रहा था, उसके बाद खेलते खेलते मेरी आँख लग गई। कब लगी समझ में नहीं आया मेरे को, ऐसा थोड़ा सा ना तबीयत ऐसा नरम गरम सा लग रहा है, पता नहीं मौसम के वजह से ऐसा है या फिर क्या है। बट मैं सो गया था, सो के अभी उठा हूँ, वीडियो देखा। अब मैं सोच रहा था कि क्या करें, आज करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल एक राइड पे जाते हैं। अभी वो भी मौसम पे निर्भर है, अभी कब तक मैं मौसम का गाना गाते रहूँगा, निकलना तो पड़ेगा। बस देखो बारिश में बाइक चलाने को मज़ा बहुत आता है, लेकिन ना व्लॉग नहीं हो पाता है। कल अगर मतलब जाने का सोचा तो हूँ मैं, बारिश हुआ तो फिर देखते समझते हैं। अभी मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या है, निकलना है क्या नहीं। फिजिकली अगर कोई काम करना है ना तो जल्दी मैं नहीं थकता हूँ, लेकिन अगर मेंटली कोई काम करना है ना जल्दी थक जाता हूँ। और मेंटली काफ़ी मेंटल बैटल चल रहा है, जिसकी वजह से ना मैं बहुत थक गया हूँ, मैं वापस सोना चाहता हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो देखने में क्या ही बोलूँ अभी मैं, क्योंकि घर वाले व्लॉग्स है वैसे किलर व्लॉग नहीं थे जैसे रशिया में थे। तो जब भी घर पे व्लॉग्स तो ऐसे ही आएंगे, अब मैं क्या करूँ, अगर रेगुलर व्लॉग डालना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वही कुछ ना कुछ मैं डाल रहा हूँ। तो कुछ दिनों तक आप एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग्स आएंगे। तो मुझे पता है कि मैं कैसे व्लॉग्स बना रहा हूँ, बट ये जो चीज़ है ना ये करके मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली व्लॉग डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं है तो नहीं करते हैं, पहले वैसा होता था कि कुछ नहीं है करने के लिए तो फिर मैं नहीं करता था, लेकिन जब कुछ नहीं भी हो तब भी मैं कुछ ना कुछ डाल रहा हूँ, तो मुझे अपने आप पे बहुत गर्व महसूस होता है ऐसे टाइम पे। बाकी आप लोगों के लिए मैं अच्छे कंटेंट लाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ आई विल सी यू नेक्स्ट लव बटेकर खुदा हाफिज़ लिव लाइफ लिव ड्रीम।